हेलो एवरीवन, दिस इज कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ होम रेमेडीज डार्क सर्कल्स के लिए, सो कीप वॉचिंग। जो भी रेमेडीज आपको बता रही हूँ उनके इंग्रेडिएंट्स नॉर्मली आपके घर में अवेलेबल होते हैं, तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक। पहली रेमेडी है वो है टमाटो, मतलब टमाटर। यमी भी होता है और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी होता है। 2 चम्मच टमाटो जूस लें और 1/2 चम्मच लेमन जूस, और उसको अंडर आई एरिया में 15-20 मिनट्स तक उससे मसाज करें और उसके बाद उसको पानी से वॉश कर दें। हमारी सेकेंड रेमेडी है यमी टमी पटैटो। एक छोटे पटैटो को लेके हम कद्दूकस करेंगे, उसका जूस निकालेंगे और कॉटन बॉल के अंदर उसको सोक कर लेंगे उसके जूस। अब उस कॉटन को हम अच्छे से अपने अंडर आई एरिया, डार्क सर्कल जहां हमें है, उसको पूरा कवर कर लेंगे अच्छे से। अब 15 मिनट रख के उसको फिर वॉश कर देंगे। हमारी थर्ड रेमेडी है एलोवेरा। जिनके घर में एलोवेरा प्लांट नहीं है वो पतंजलि का एलोवेरा यूज कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। रात को सोने से पहले मसाज करें एलोवेरा जेल की कुछ सेकंड्स तक फिंगर टिप से और उसको 15 मिनट तक रहने दें, फिर उसको कॉटन पैड से क्लीन कर लें। हमारी फोर्थ रेमेडी है टर्मरिक यानी कि हल्दी। हम 1/4 स्पून टर्मरिक लेंगे और 1 स्पून कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल लेंगे। इन दोनों को मिक्स करके हम फिंगर टिप से उसको 1 मिनट तक अपने अंडर आई एरिया में मसाज करेंगे, कुछ मिनट तक उसको छोड़ देंगे और उसके बाद उसको क्लीन कर देंगे। हमारी पांचवी रेमेडी है मिंट लीव यानी कि पुदीने के पत्ते। इसके पत्तों में हम थोड़ा पानी मिला के इसका अच्छे से पहले पेस्ट बना लेंगे। अब इस पेस्ट को हम अपने डार्क सर्कल पर लगाएंगे और 10 मिनट तक उसको रखे रखेंगे और उसके बाद उसको ठंडे पानी से वॉश कर देंगे। हमारी सिक्स्थ और लास्ट रेमेडी है लेमन। जैसे कि आप जानते हैं लेमन हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब इस लेमन का हम लोग थोड़ा जूस ले लेंगे। अब हम लेमन जूस को कॉटन की हेल्प से अपने डार्क सर्कल्स पर लगाएंगे, उसको हम 10 मिनट्स तक रखेंगे और उसके बाद हम उसको वॉश कर देंगे। अगर आपको ये रेमेडीज पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कुछ और होम रेमेडीज के लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।